अस्सलामुअलैकुम खवातीन और हज़रात, एंड अ वेरी वेरी वेलकम बैक टू अशर सना वीलॉग्स। तो सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त तकरीबन बज रहे हैं 8:30। खूबसूरत मौसम हो रहा है कैलगरी में, तो भाई सन निकल ही आता है, आपको पता है बर्फ पड़ी हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं पड़ी हुई। सो मॉर्निंग वॉक के ऊपर निकला हुआ था सुबह सुबह, तो सोचा आप लोगों का थैंक यू बोल दूं। वो थैंक यू इसलिए कि जो बर्थडे विशेज आप लोगों ने की हैं उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया यार, बहुत खुशी होती है देख के। मैं बर्थडे बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई उस पर सेलिब्रेट नहीं करता, एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं करता। हाँ, कुछ छोटा मोटा गिफ्ट सना ने लिया है, तो इंशाल्लाह आगे चल के वो दिखाएंगे कि क्या लिया है क्या नहीं है। वो ऑर्डर कर दिया है, मतलब ऑर्डर किया हुआ है, बट ये कि अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे। पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता कि क्या लिया है उसने क्या नहीं लिया, बट ये कि देखते हैं कि क्या लिया आगे चल के। बहुत बहुत विशेस आप लोगों ने दी यार, याद रखा आप लोगों ने, बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए। और काफी लोगों ने जो है वो बिल्कुल सही गेस किया था, मेरी एज जो है वो 41 ईयर्स हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 40 साल का भाई हो गया हूँ। अभी भी काफी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई आपको एडवाइस देनी थी, ये करना था वो करना था। एनीवे, मैंने अपने पॉडकास्ट सेटअप के लिए और घर की थोड़ी खूबसूरती के लिए काफी अरसे से मैं इस चक्कर में था यार, मैं ये आम जो चेयर्स होती हैं और विंग बैक चेयर्स कहलाती हैं यहाँ पे, तो वो लूंगा, मैंने खरीद ली है, अब जाके मुझे आज उठाना है। तो बस मैं आज दोपहर को मतलब आज शाम को जाऊंगा और वो चेयर्स उठा के लेकर आऊंगा। तो भाई चक्कर ये होता है कि जब बर्फ पड़ती है मतलब स्नो होती है, तो स्टाटा वाले आके काफी हद तक सफाइयां कर जाते हैं हमारे, ये हर कॉन्डोमिनियम का स्टाटा जहां मैनेजमेंट होती है वहां पे ये जो मालिक मकान पैसे दे रहा होता है उसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो ये देखो यहाँ पे काफी हद तक जो है वो उस साइड पे सफाई हो गई है, ये थोड़ी ऐसे ही हो जाती है और रहती है ये। और यहाँ पे तो देखो वॉकवेज जो है वो पूरे क्लियर है, क्लीन है और ड्राई हुए हैं, आके वो बार बार चेक करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मसला तो नहीं है। बाकी रोड्स का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जब सन आता है तो खुद बहुत बर्फ गली जाती है, इतना बड़ा कोई इशू होता नहीं है, और थोड़ा बहुत होता है मतलब आइस बन जाती है, बट ये कि अगर साफ हो जाए तो बहुत अच्छा है, बट ये कि नहीं होता कोई मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्राइवेट जो कॉन्ट्रेक्टर्स होते हैं स्टाटा के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस चीज को भी साफ करें, पार्किंग को क्लियर करें, ये करें वो करें। तो एनीवे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कैलगरी के अंदर सिस्टम भी, मगर ये कि ये काफी हद तक ये पार्क्स वगैरह देखो, पार्क्स में तो खैर वैसे भी बर्फ बन जाती है बट वॉकवेज काफी साफ हो जाते हैं, ये सारी जो सीढ़ियां होती हैं हमारे घर की ये साफ करके इसको नमक वमक डाल के वो चले जाते हैं ताकि कोई इशू वगैरह ना हो। देखो सब क्लीन किया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया हुआ, ये सब कुछ वो लोग ही करके गए। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो मैं बता देता हूँ कि भाई मेरा नाम है अशर और मैं रहता हूँ कनाडा के चौथे बड़े शहर में जिसका नाम है भाई कैलगरी। एफएम पे आज मैं सुन रहा था कि बड़ी लोग काफी हैरान और परेशान हैं और टेंशन में हैं कि भाई 30-40 सालों के बाद ऐसा कैसे हो गया कि दिसंबर का महीना चल रहा है और डबल फिगर के अंदर जो है वो सारा वेदर चल रहा है, कभी 6 हो रहा है, कभी कभी 12 हो रहा है, कभी 13 हो रहा है, कभी इस तरह चल रहा है, मतलब प्लस तो चल ही रहा है मगर पॉजिटिव डबल फिगर में भी चल रहा है आजकल, तो बड़ी बात है। हम लोग जो है वो पिछले साल ही कैनेडा मूव हुए थे टोरंटो में पीआर के ऊपर, अगर आप लोगों को नहीं पता, और हम लोग इस साल जो है वो समझ लो 4 महीने पहले सितंबर में कैलगरी मूव हुए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो अभी तक, तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी इंशाल्लाह जबरदस्त व्लॉग आने वाले हैं। सो आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देना चाहूंगा जिनका नाम है भाई आफताब हक, और वो हमें देखते हैं यूएसए बॉस्टन से, तो इंशाल्लाह हम लोग जब भी यूएसए जाएंगे उनसे जरूर मुलाकात होगी बॉस्टन के अंदर। थैंक यू सो मच आफताब भाई आपका कि आप जबरदस्त कमेंट्स करते हैं और उससे बड़ी मोटिवेशन होती है हमें, सो थैंक यू सो मच आपका और आपकी फैमिली का। तो गैराज के लिए यहाँ पे हमारे पास एक बटन लगा हुआ होता है, मतलब दो हमें अलग से रिमोट मिलते हैं और साथ ही में एक बटन भी होता है जिसको दबा के हम गैराज आराम से खोल सकते हैं। देखो मैं अभी दबाऊंगा, ये देखो भाई गैराज खुल गया। अब हमें काम यह है कि बॉटल्स वगैरह हैं इसके अंदर जो रिसाइकलिंग में जानी है वो हम देखते हैं आज के मौका मिलता है या नहीं। अब गाड़ी को थोड़ा सा खाली करेंगे, इसमें से पीछे से सामान रखा हुआ है वो निकालेंगे और दो चेयर्स जहां से ली हैं वहां से खरीद मतलब लेंगे और फिर घर लेकर आएंगे। देखो भाई यही फायदा होता है कि यहाँ पे काफी अच्छी खासी जगह में मिल जाती है। अब मैंने ये दोनों सीटें आगे नीचे कर ली हैं ऑलमोस्ट, अब यहाँ पे बस मैं वो दो चेयर्स जो मैं खरीदी है तो वो दोनों चेयर्स यहाँ पे कोशिश करूंगा कि भाई दोनों एक साथ लेकर आ जाऊं, अगर इन केस ऐसा हुआ कि एक टाइम पे एक आ रही हुई तो बस फिर दोबारा जाएंगे और फिर लेकर आएंगे। तो एनीवे मुझे लगता है कि यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि अच्छा खासा सामान ओंटारियो से भी आ गया था, तो होपफुली वो दोनों चेयर्स भी यहाँ पे आ जाएंगी। कैलगरी में पेट्रोल दिन ब दिन सस्ता हुआ जा रहा है, देखो पहले जो है वो जब मैं आया था तो होता था 140 अराउंड और अब हो गया है $1.23 का, तो $1.24 का, और ये वेरी करता है जगह टू जगह, मतलब इस वक्त हम लोग नॉर्थ ईस्ट के इलाके में तो ये इतने का है,
अगर हम साउथ वेस्ट में जाएंगे, साउथ ईस्ट में जाएंगे, आई थिंक तो 2-3 सेंट 4 सेंट और भी सस्ता होगा, 5 सेंट ऑलमोस्ट। $20 का मैं डालता हूँ नॉर्मली, $20 का हो गया, $20 में 16 लीटर 16.1 लीटर आया है। भाई रिसीप ले लेते हैं, हम इसको कर देते हैं बंद। चलो ये देखो भाई, चीज आ गई है यहाँ पे आराम से। गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का यही फायदा होता है एसयूवी का, कि ये आराम से आ जाती है। A few moments later. ये देखो यहाँ पे भाई फूल भी लगे हुए हैं, क्रिसमस की डेकोरेशन के लिए आए हुए, मगर ये नॉर्मल आर्टिफिशियल फूल भी होते हैं यहाँ पे, तो पता नहीं कितने कितने की लगे हुए होंगे, चेक करना पड़ेगा। आई थिंक $3, $4 इस तरह के होंगे, $5 तक के होंगे मैक्सिमम। इससे ज़्यादा का तो वैसे भी कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ये देखो, ये है $3 का बेल जो लगी हुई है, और ये है भाई $4.50 प्लस टैक्स, तो सारे अज्यूम करके चलते हैं $4 $5 इस तरह के हैं। ये जो आर्टिफिशियल फूल है ये $1.50 के एक है, तो अच्छी है ये चीज़, $1.50 में तो बुरी नहीं है। अभी खरीद के लेकर आया हूँ, नई नई कैसी है, जबरदस्त है, मजा आ गया बैठ के। चलो अभी इसको ऊपर लेके चलते हैं, दो चेयर है वहाँ पर, ओके चलो आ जाओ। नेक्स्ट डे नमाज पढ़ के निकले थे, जुम्मे का दिन है माशाल्लाह से, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो आप लोगों को। बात हो रही थी भाई अभी किस चीज की, है साहब स्कूल्स की है, तो स्कूल्स में क्या बात हो रही थी, मतलब के ये लोग कहते हैं कि भाई अयान कहते हैं और सैफ कहते हैं हमें स्कूल जाके मजा आता है क्योंकि वहाँ पे जिम वगैरह होते हैं। जिम का मतलब क्या होता है, क्या फिटनेस मशीन्स होती हैं या फिर बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह होता है? कोर्ट होता है भाई। बड़े ट्रैफिक ड्राइवर जो यहाँ पे ड्राइवर है ना कैलगरी के, बड़े माशाल्लाह से आड़ू है, बगैर इंडिकेटर दिए लिटरली जो है ना वो घुसते हैं। एनीवे इट इज व्हाट इट इज, 2-3 दफा मैं पहले भी बता चुका हूँ, बात दे दिया करो यार इंडिकेटर प्लीज, अगर कैलगरी से देख रहे हो तुम लोग को। हाँ तो भाई जिम की बात हो रही थी, हमारे स्कूल में तो यार पाकिस्तान में कोई जिम वगैरह की सहूलत नहीं होती थी। अब मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं इस वक्त और बच्चे उनके स्कूल जाते हैं, तो नॉर्मल स्कूल्स के अंदर भी वो सहूलतें मैसर होती हैं नहीं होती, बट यहाँ पे तो पब्लिक स्कूल के अंदर भी वो तमाम मोस्टली सहूलतें जो होती हैं वो आराम से यहाँ पे होती हैं, और बहुत अच्छी बात होती है जिसकी कोई फीस वगैरह चार्जेस बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होते यहाँ पे। ये एक बड़ी अच्छी बात है कनाडा के अंदर, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वीडियो बना रहे हो, आपकी कोई तराज तो नहीं है? आपको लोगों से पूछ लेना चाहिए ना, फिर ये ना हो कि कोई नाराजगी हो जाए। ये लो जी मुंह मीठा करो, बकलावा खाओ, तुम्हारा फेवरेट। कैसा है? हमने बड़े बकलावे फोड़े एक जमाने में, याद होगा तुम्हें। ऐसा वैसा मतलब बकलावा तो ऐसा हो गया था मुंह को लग गया था, और मतलब ये बात है कि वेट भी नहीं बढ़ रहा था, बकलावे इतने खाती थी मैं, उसके बावजूद का रीजन ये था क्योंकि काम बहुत ज्यादा करते थे, तो पिज्जा की शॉप में जो है वो 8-8 घंटे खड़ी हुई हूँ, और डिश वॉशिंग कर रही हूँ, क्लीनिंग कर रही हूँ, तो इतना ज्यादा काम होता था, उसकी वजह से कभी वेट ही नहीं बढ़ रहा था, बकलावे खा खा के पागल हो गए थे। बहुत अच्छा है वैसे वाकई। और ये बात तो बता दी आपको, तब की जब हम ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल कर रहे थे बहुत पहले की, 2015-16 की बात है, स्टूडेंट वीजा चल रहा था और खूब सारी पढ़ाई चल रही थी, साथ में ये काम भी चल रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने आसानियां दे दी हैं, तो आसानी एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, एंजॉय कर रहे हैं अभी, जब इतनी मेहनत की है तो अब एंजॉयमेंट का भी टाइम आ गया, क्यों भाई? सही बात है। अरे तो इंस्पेक्शन के लिए बंदे तो नहीं आ गए? ब्यूटीफुल आफ्टरनून हो चुकी है भाई, आज जुम्मे का दिन है, और देखो पीछे से अली की आवाज आ रही होगी, बिकॉज वो भी घर पे ही जो है वो एंजॉयमेंट कर रहा है, इधर से उधर फिर रहा है, और साथ में घर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या क्या काम हो रहे हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ, उससे पहले प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप लोग अभी नए हैं, और लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें भाई, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो हमें
बहुत बुरा रहेगा, तो प्लीज डू डैट। ओके, आज हमारे यहाँ बहुत सारे काम चल रहे हैं, उसकी वजह यह है कि आज हमारे यहाँ है हमारे घर पे इंस्पेक्शन। हमारा जो रेंटल का घर है जहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी रह रहे हैं कैलगरी में, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड आज इंस्पेक्शन करने आने वाले हैं। और अभी 3 महीने हो चुके हैं हमें इस घर में आए हुए, तो 3 महीने बाद, उसने पहले ही बोल दिया था, मतलब हम ले रहे थे ये घर उसका रेंट पे, कि भाई मैं 3 महीने बाद इंस्पेक्शन करूंगा, तो हमने कहा ठीक है भाई कर लेना। तो फिर अब वो इंस्पेक्शन करने आ रहा है फाइनली। लेकिन यार बहुत ही बड़ा हेडेक होता है इंस्पेक्शन करवाना लैंडलॉर्ड से या रियल स्टेट से। उसका रीजन ये होता है कि भाई बड़ी छाट पटक करते हैं, बड़ी गौर से देखते हैं वो लोग कि क्या क्या चीजें हैं, कि आया कि हमने कोई डैमेज वगैरह तो नहीं किया, किस तरह का कोई मेजर जो है वो प्रॉब्लम तो नहीं हुआ हुआ घर में ऐसा जो मतलब उनकी नजर में आना चाहिए। तो ये सब चेक करते हैं। जनरली काफी मुश्किल काम होता है क्योंकि काफी सारी जो है सफाई करनी पड़ती है, और लैंडलॉर्ड स्पेशली अगर आते हैं तो वो तो बहुत ही ज्यादा गौर से देखते हैं कि भाई हम लोग सही से मतलब घर को रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। एंड बकौल हमारे लैंडलॉर्ड के उन्होंने बोला भाई कि ऐसा रखना अपना घर जैसे तुम लोगों का अपना घर हो, ठीक है, इसी तरीके से रखना। तो भाई इतनी मोहब्बत दे रहा है इस घर को, तो भाई इतनी मोहब्बत हमने दी है कि नहीं, ये आज इसका पूरा जो है वो बताएंगे, इम्तिहान लेंगे कि भाई आया कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। एनीवे क्या क्या होने वाली है चेकिंग वगैरह ये सब तो हम आपको आगे बताते रहेंगे। ये देखो भाई कितना जबरदस्त मौसम हुआ हुआ है आज का, थोड़े बहुत बादल है, थोड़ी बहुत रोशनी है। और ये भाई किसकी आ रही है गाड़ी, कैनेडा पोस्ट की गाड़ी आई हुई है, हमारा तो पार्सल नहीं आया हुआ कोई, वैसे हमने कुछ मंगवाया तो नहीं है। ये रहा फाइनल लुक उस फर्नीचर का जो कल रात को अशर लेकर आए थे। दोनों आर्म चेयर अशर को मिली है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो वो मतलब हम लोगों ने इसकी सेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह की है। फाइनल लुक नहीं है अभी इस रूम का, इस एरिया का फाइनल लुक अभी होना बाकी है। यानी कि हम यहाँ पे अभी जो है प्लान है कि कुछ लाइट्स वाइट्स लगाएंगे, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल प्लांट लगाने का प्लान है, कुछ टेबल रख लेंगे जैसे कि कॉफी टेबल यहाँ पे आ जाएगी, कोई डेकोरेशन पीस रख लेंगे, तो थोड़ा इसका लुक कम्प्लीट हो जाएगा। बट फिलहाल के लिए इज्जत लगे इनको जिनसे बताओ कॉमेंट्स के अंदर। आज के इंस्पेक्शन से ना मुझे पिछले जमाने के इंस्पेक्शन याद आ गए, जब हम सिडनी में हमारे हुआ करते थे कि पूरी सफाई सुथराई, तो हम लोग ने तो ऐसी सफाई की है देर मार 4.5 हर 3 महीने हमारे इंस्पेक्शन हुआ करते थे, 6 साल में 4 साल तक हर 3 महीने में। और पता होता क्या है, अगर उनको जरा सा भी शक हो जाए, अगर से लैंडलॉर्ड आ रहा है, रियल एस्टेट एजेंट आ रहा है, अगर उनको जरा सा भी शक हो जाए कोई भी चीज उनको लग रही है कि सही नहीं है, आपको स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो 1 महीने 2 महीने बाद दोबारा इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, और उस चक्कर में वो पूरा घर दोबारा से देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब खाली उस जगह को देख के भी चले जाएं कि हाँ भाई ठीक हो गई है कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बड़ा ही मतलब एक काम होता है पूरा ये, और जैसे हम लोग मेहमान आते हैं या नॉर्मली हमारी घर में सफाइयाँ होती हैं, उससे डबल ट्रिपल काम होता है ये, क्योंकि और ज्यादा एहतियात रखनी पड़ती है कि जरा सा भी मार्क होगा ना तो उसको वो पकड़ लें। बाकी इस तमाम एरिया की तो मैक्सिमम मेजोरिटी सफाई मैंने कल रात को ही कर ली थी, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, खाली मॉपिंग वगैरह होनी बाकी है। देखो यहाँ पे अली सो रहा है, बच्चे बच्चे थोड़ा उनको टीवी पे लगा लिया है ताकि सुकून से बैठ जाए, फैलावा ना करें। और भी देखो अभी तक हम लोगों ने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता भी मैं गर्म कर रही हूँ दोबारा से, चाय वाय और अंडे, क्योंकि हम लोग अभी सफाई में लगे हुए हैं। और अशर अभी ऊपर गए हैं बाथरूमों की सफाई करने के लिए, तो अभी वो होना बाकी है। रेडी है ये देखो, यहाँ बैठी नहीं है, इंस्टाग्राम देख रही हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड कर रही हूँ क्योंकि सारा काम हो गया अल्लाह का शुक्र है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र पूरा घर साफ हो गया है, इतना अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि चलो चमकता हुआ घर है, थोड़ी पिक्चर वीडियो शेड्यूल किसी की घर जाए नहीं, कोई हमारे घर आ रहा है घर देखने के लिए। वो नो देयर इज नो फ्रेंड्स, नॉट फ्रेंड्स एक्चुअली, इज समथिंग दैट वी आर स्केयर्ड ऑफ, व्हाट, क्योंकि लैंडलॉर्ड भाई छोड़ते नहीं है, अगर लैंडलॉर्ड को कोई चीज मिल जाए ना तो वो छोड़ते नहीं है, फिर दोबारा दोबारा आके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है वो अल्बर्टा में जैसे हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया में होता था कि सेम इंस्पेक्शन होते हैं हर 3-4 महीने में, लेकिन ऑन्टेरियो में मुझे लगता है कि नहीं होते हैं, मतलब हमारा तो बेसमेंट में एक दफा भी 8-10 महीने में इंस्पेक्शन नहीं हुआ। तो हालांकि लैंडलॉर्ड हमारे ऊपर ही रहते थे, मतलब उन्होंने कभी आके देखा भी नहीं, और वहां पे ये होता है कि डिपॉजिट भी नहीं देते जैसे घर रेंट करने से पहले, तो अब क्या पता कि डिपॉजिट की वजह से यहाँ पे इंस्पेक्शन होते हो बार बार ये चीजें। तो अगर ऑन्टेरियो में होता है किसी का इंस्पेक्शन तो बताइएगा जरूर कि घरों में ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ अल्बर्टा में तो लाजमी होता है।
12 seconds later. अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये दिन भी आ गया और जान छुट्टी जो है वो इंस्पेक्शन खत्म हो चुका है. सो फार सो गुड, अल्लाह का शुक्र है उसने कोई ऐसी चीज नहीं निकाली. भाई लैंडलॉर्ड होता है हमारा जो हमने घर लिया था जब कैलगरी में, जब हम लोग नए नए आए थे तो हमने कैलगरी में आते ही रेंट फास्टर के थ्रू घर लिया था. अब जब रेंट फास्टर के थ्रू लेते हैं आपको तो दो तरीके से आपको घर मिल जाते हैं, एक एजेंट के थ्रू और दूसरा लैंडलॉर्ड के थ्रू. किसी किसी वजह से मतलब अगर मैं वो बात करूं कंपेयर के लैंडलॉर्ड और एजेंट में क्या फर्क होता है, तो कभी कभी लैंडलॉर्ड और एजेंट में ये फर्क होता है कि एजेंट आते हैं बस ऊपर से देख दाग के निकल जाते हैं, मगर लैंडलॉर्ड जो होते हैं, जो हमारी अपनी सिडनी के जो रीडिंग थी मतलब एक्सपीरियंस था, मगर जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना मतलब उनका अपना घर होता है तो वो ये देखते हैं कि यार ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इसको अप टू द मार्क होना चाहिए, ऐसा ना नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए. बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर काफी अच्छा क्लीन करके रखा हुआ है, तीन महीने तक जबरदस्त कंडीशन के अंदर है. तो उसने कहा कि जैसा मैंने छोड़ा था तीन महीने पहले अब तक आप लोगों ने घर वैसे ही करके रखा हुआ है. मैंने कहा कि आगे अगले तीन महीने की गारंटी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, वैसे तो बता रहे मालिक के मकान को आपको सब कुछ लैंडलॉर्ड का अच्छा अच्छा ही बोलना चाहिए कि इलाका पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, घर पसंद आ रहा नहीं आ रहा, चाहे आप जो है अगले दिन छोड़ने वाले, डजंट मैटर. तो अली साहब जो है ना शोर मचाते रहते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मगर ये कि बच्चों से घर में रौनक होती है, नहीं तो जो है वो बड़े बड़े घर और बड़े बड़े शहर बड़े बड़े मुल्क आपको जो है वो काटने के दौड़ते उल्लू बोलते. एनी वे बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मालिक मकान आके चेक वेक करके चले गए, सो फार सो गुड, उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं निकाली, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये होनी चाहिए वो होनी चाहिए, क्लीनिंग इस तरह आपने सही नहीं की इस तरह सही नहीं की. एनी वे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ डन हो गया. यहाँ पे बेगम जो है वो देख रही है क्या हो रहा है. मैं ही देख रही हूँ कि इस पे छोटा सा मार्क पड़ गया है ऑटोमन के ऊपर, ये देखो इस्तेमाल. ये तो हमारा है पता है, बट स्टिल यार हमारा इस्तेमाल करते करते देखो ना कैसे हो गया. ये अहम साहब है, ये अहम साहब की वजह से वैन बैठ के खाना खाता है इसके ऊपर. हाँ। ये देखो इसके ऊपर पकड़े तेल के निशान भी लगे हुए. अल्लाह यार ये मत किया करो हरकत यार, ये तुमने लगाया है तुम्हारे पैसे कटेंगे. हाँ पैसे कटेंगे तुम्हारे. और ये सेफी साहब, ये सेफी साहब जो पीछे पीछे फिर रहे लैंडलॉर्ड के, भी साथ साथ जो चेकिंग कर रहे हैं वही बड़ी खतरनाक किसी भी चेकिंग करते हैं. मगर जनरली अगर किसी ने सफाई रखी हुई ना घर में तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी बहुत जो है वो एडिशनल करें और सेट हो जाता है मामला. तो अल्हम्दुलिल्लाह गया, फटाफट कुछ खाओ, भूख लग रही है बड़ी. खाओ पियो जान मनाओ भाईजान, वीकेंड है एंजॉय करो. ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो. और अगर चैनल पे नए हो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हो, जाओ बटन को तोड़ दो तोड़ दो.